नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बनाने वाले हैं शाही चिकन करी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म होने रख दी है और उसमें लगभग 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। और साथ ही हमने 750 ग्राम चिकन लिया है जिसे अच्छी तरीके से धो लिया है। साथ ही हमें कुछ खड़े मसाले चाहिए जिसके लिए हमने लिए हैं 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च साबुत, 1.5 चम्मच जीरा, 4 लौंग और सबसे आखिर में 8 काली मिर्च। तो ये हमारे खड़े मसाले हैं। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले और इन्हें अच्छे तरीके से चला लेंगे। और अब हम गैस को कर देंगे हाई और उसमें चिकन डाल देंगे। अब इसे इसी तरीके से लगातार पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक, जब तक हमारा चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। हमें इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि अच्छे से भुन जाए और जो हमारा चिकन है नीचे लगे भी ना कढ़ाई में। तो इसे इसी तरीके से पकाना है हमने। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा चिकन भुन चुका है। अब हम इसमें बाकी सामग्री डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पेस्ट बनाया है मिक्सी में, जिसमें कि आप अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से देख सकते हैं। तो 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 प्याज है और हमने लिए हैं 50 ग्राम खरबूजे के बीज यानी कि मगज, और उन्हें अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। और अब हम इसे अच्छी तरीके से इसमें मिला देंगे। अगर आपको मगज अवेलेबल नहीं है तो आप काजू भी डाल सकते हैं, और काजू के अलावा आप बादाम भी डाल सकते हैं। बादाम को भिगो के उसका छिलका डाल के आप पीस कर डाल सकते हैं। प्याज भुनने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर कुटी हुई, साथ ही लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और लिया है 2 चम्मच हमने धनिया का पाउडर। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं और ना ही कोई स्पेशल मसाला भी इसमें डालना है। तो यही हमारे रेगुलर मसाले हैं, उन्हीं से हम बनाएंगे इसे। मसालों को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से इसको बहुत अच्छा इसका कलर मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और उसे भी अच्छे से मिला लेना है। तो अब मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। आपको बस ये देखना है कि मसाले हमारे नीचे ना लगें। और यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो हमने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना लिया था मिक्सी में, जिसमें कि हमने 2 टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे इसमें। तो इस तरीके से इसे मिला लें। तो ये देखिए, हमने टमाटर को अच्छे से मिला लिया है और अब हम इन्हें इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ी देर में चलाते हुए। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद जो हमारे टमाटर हैं वो पक चुके हैं और ऑयल भी थोड़ा सा सेपरेट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि हमने इसके अंदर गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना। तो हमने यहाँ पे 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी डालने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे उबाल आने तक हाई पे हम पकाएंगे। और जैसे ही उबाल आ जाएगा, आप देख सकते हैं, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे थोड़ा सा चलाएंगे। और दोस्तों उबाल इसमें जल्दी आ जाएगा क्योंकि पानी हमने गर्म ही डाला था। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 15 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर रखा है, तो अब इसी तरीके से ढक के 15 मिनट तक पकाना है। तो 15 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन पक के रेडी हो चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। ये रेगुलर गरम मसाला है जो हम घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, और इसे भी अच्छे से
मिला लेंगे इस तरीके से, और अब गैस को कर देंगे बंद और इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और उसके बाद हमारा चिकन करी रेडी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी चिकन करी रेडी है, बिल्कुल आसान है बनाना, आप भी इसे बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो चलिए फिर अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो हमने एक बाउल लिया है, अब हम उसमें चिकन करी डालेंगे और फिर इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया इसका। तो दोस्तों ये हमारा शाही चिकन करी रेडी है, अब इसकी गार्निशिंग करेंगे अदरक के लच्छों से, बारीक कटे हुए मिर्ची के स्लाइसेस से और बारीक कटे हुए हरे धनिए से। तो दोस्तों आप भी इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, और अपने सुझाव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीजिएगा ज़रूर, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।